अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है, मैं टेक कायनात की ओनर हूँ। आपको एक बार फिर से अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह के थंबनेल्स बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, वो भी पिक्सेल ऐप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्सेल ऐप ओपन करनी है आपने, इसको कैंसिल कर देना है, देन टेक्स्ट को आपने कर देना है डिलीट, थ्री डॉट्स पे जाना है, इमेज साइज सेलेक्ट करना है, देन ये कस्टम में जाके आपने यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। देन आपने ये थर्ड वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से वाइट कर रही हूँ। एंड आपने ये बेसिक वाले टूल में जाना है और यहाँ से ये वाली आपको कर्व शेप मिल जाएगी और ये सेकंड वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है और ये वाली शेप आपने बना लेनी, ठीक है। देन आपने इसको थोड़ी सी इस तरह करके सेटिंग करनी है। ये देखिए मैं इस तरह करके इनकी जो है वो सेटिंग कर रही हूँ। ऊपर वाला जो कर्व है बस उसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए ये वाली जो आपने, और यहाँ से मैंने जो फिल कलर है वो कर दिया अपनी मर्ज़ी से। आप चाहें तो कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको ये वाला कलर कर दिया और इसका स्ट्रोक मैंने ज़ीरो कर दिए हैं। एंड देन मैं इसको जो है वो लेफ़्ट वाली साइड पर रख रही हूँ और इसकी मैंने एक कॉपी बना ली है। पहली वाली शेप की जो ओपेसिटी है वो मैंने आलमोस्ट 35 तक कर दी है, ठीक है। एंड जो दूसरा है उसको मैंने दोनों शेप्स को जो है वो एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। देन ये शेप्स में मैं गई हूँ, यहाँ से मैंने हाफ सर्कल लिया और हाफ सर्कल को मैंने कलर दे दिया है और इसको जो है वो मैं राइट लेफ़्ट की तरफ मूव करवा के और ये वाली शेप बना के रख रही हूँ, ठीक है। एंड देन इसकी मैंने कॉपी बनाई है और सेम पहले वाली जो शेप है उसकी मैंने ओपेसिटी 35 की और दोनों शेप्स को मैंने एडजस्ट कर दिया है। ये देखिए इस तरह करके ये दोनों को मैंने एडजस्ट कर दिया है। एंड देन मैं फ्रॉम गैलरी में गई और यहाँ से कोई भी एक शेप ली है, कोई भी आप चाहे इमेज ले सकते हैं। ये देखिए मैंने एक इमेज ली है और इसको मैंने दोनों शेप्स के दरमियान इस तरह करके मैं रख रही हूँ। ये देखिए ये मैं एडजस्ट थोड़ा सा इसको करके और यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। और इनको मैंने सबको कर देना है लॉक। देन दोबारा जाना है शेप में और यहाँ से सर्कल लेना है, तो कोई भी कलर कर देना है, ठीक है। ओपेसिटी मैंने इसकी ज़ीरो कर दी है और स्ट्रोक मैं इसका कर दूँगी येलो और आलमोस्ट का जो लेवल है स्ट्रोक का वो मैंने आलमोस्ट 11 कर दिया, ओके कर दिया। और इसका जो है वो मैं मूव करवा के बिल्कुल टॉप पे रख रही हूँ, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी और कम की है। तब मैंने जाना है ये स्टिकर्स के अंदर और यहाँ से एक ये वाली शेप है आपको रेड कलर की मिल जाएगी, ये मैं सेलेक्ट की है और इसको मैं राइट टॉप पे जो है इसको मूव करवा रही हूँ। ये देखिए इस तरह करके अब मैं इसका थोड़ा सा जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ 40 तक। ये देखिए मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है, अपने अपने हिसाब से मैं इसको जो है वो कलर दे रही हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। एंड देन मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रोटेट कर रही हूँ, आप एंगल देख सकते हैं, -6 मैंने इसका रखा है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से टेक्स्ट में जाऊँगी और यहाँ से मैंने लिखना है ट्रेंडिंग, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और पहले वाली ये जो शेप मैंने अभी ली है इसके अंदर रख देना वाइट कलर करके, इसका जो है फोन सजेस्ट किया है। इसके बाद मैं इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये देखें अब मैं इसका जो है वो स्ट्रोक 2 तक रखना है और इसको ओके कर देना है। देन आपने दोबारा टेक्स्ट में जाना और यहाँ से मैंने लिखना है थंबनेल और इसको मैं ट्रेंडिंग के बिल्कुल नीचे रखना है। इसका कलर मैंने ये वाला कर दिया एंड इसका जो है वो फॉन्ट सजेस्ट किया है और उसको मैंने थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ किया है। ये देखें अब इसको थोड़ा सा जो है वो रोटेट करूँगी। ये देखें ये मैं इसको थोड़ा सा ये देखें रोटेट कर रही हूँ। -6 जो पहले रखा हुआ था सेम वही हमने रखा है और इसको जो है वो स्ट्रोक सेम हमने कर देना है और उसको स्ट्रोक का लेवल हमने कर देना है आलमोस्ट 4 तक। ये देखिए मैंने रख दिया, ठीक है। दोबारा शेप में जाना, सर्कल लेना है, इसकी जो है वो ओपेसिटी हमने कर देनी है 0 और कोई भी एक कलर सजेस्ट करके और इसका जो है वो स्ट्रोक हमने, ये देखें ये मैंने इसका तकरीबन 15 तक कर दिया और इसको मैं वो बॉटम पर रख रही हूँ। ये देखिए ये मैं बिल्कुल राइट बॉटम पे इसको मूव करवा रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एंड देन आपने दोबारा ये जो है वो शेप में जाना है, ये देखिए मूव हो गया, ठीक है। दोबारा आपने यहाँ से शेप में जाना और यहाँ से आपने वही लेना सर्कल और सेम आपने इसकी जो ओपेसिटी 0 कर देनी है, कोई भी एक कलर लेके आपने इसको जो है वो स्ट्रोक जो है वो आपने इसका इनक्रीज़ कर देना। ये देखिए मैं कोई भी एक कलर ले रही हूँ,
ये देखिए मैंने एक लाइट सा कलर लिया। स्टॉक है वो मैंने 14 तक रख दी है और इसको जो है मैं टॉप पे मूव करवा रही हूँ और इसकी जो है वो विड्थ मैंने 9 रखी है और इसको जो है टॉप पे एडजस्ट कर दिया था। मैंने शेप में जाके एक सर्कल लिया है, इसका जो कलर है वो मैं ये वाला थोड़ा डार्क सा जो कलर है वो मैं ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। और इसको जो है वो विड्थ मैंने रखी है 4th और इसको जो है मैं पहले वाले सर्कल जो मैं लाइट सा बनाया था इसके साथ में यहाँ पे मूव करवा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर। और अब मैं इसको जो है वो 2 बैक कर दूँगी, ये देखिए ये वाली शेप बन जाएगी। देन मैंने ये शेप से एक ये जो है एरो लिया है, ठीक है, और इसको मैंने जो कलर है वो मैंने इसको येलो कर दिया है, ये देखिए ये वाला कलर येलो। ये थोड़ा सा मैं इसका एडजस्ट करती हूँ, ओके कर देना है। मैंने इसको अपोजिट रोटेट कर दिया और थंबनेल के नीचे जो है रखा है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप करूँगी, इसका जो हेड है वो मैं इसका क्रॉप कर दिया है और इसको जो है वो थोड़ा सा ये देखिए मैं इसका साइज़ जो है ना वो इस तरह करके मैं इसका थोड़ा सा डिक्रीज़ कर रही हूँ, ये देखें। अब मैं इसको जो है वो थंबनेल के बिल्कुल नीचे जो है वो इसको रोटेट करवा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके जो है वो एक कॉपी बनाई है और इसके बिल्कुल पहले वाले के जो नीचे जो है वो स्टिक बना के इसको जो है वो मैंने रख दी है, ये देखिए मैं इसको बिल्कुल साथ जो है वो मूव करवा रही हूँ, ये देखिए ये कितनी अच्छी लुक दे रहा है। देन मैं इसको जो है वो थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेती हूँ, ये देखिए ये एडजस्ट हो गया है, ठीक है। एंड देन आपने दोबारा शेप में जाना है, सर्कल लेना है और सेम वही कोई भी आपने हाथ से जो है वो कलर लेना है और इसका जो है वो साइज़ आपने बिल्कुल डिक्रीज़ कर देना है, ये देखिए 3 तक मैंने इसको कर दिया है और इसको जो है मैंने मूव करवा देना है टॉप पे, ये देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे मैं रख रही हूँ, ये देखिए इस तरह करके सेम आपने वही आपने एक और शेप लेनी है सर्कल की और यहाँ से आपने कलर करना है। मैं लाइट यहाँ पर कलर ले रही हूँ और उसके सेम मैं मतलब इसको डिक्रीज करके और बिल्कुल जो है इस दफ़ा मैं बॉटम पे रख रही हूँ, मूव करवा के इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, ये देखें, ठीक है। हम इसको जो है बिल्कुल इसके ऊपर रख के और 2 बैक कर दिया है। देन मैं दोबारा शेप में गई हूँ और वही सेम प्रोसेस मैंने किया है। फ्रेंड्स आप अपनी मर्ज़ी से शेप से कोई भी अच्छी अच्छी शेप्स सेलेक्ट करके और इनको अपने जो है वो थंबनेल को बहुत अच्छा ऑसम एक लुक दे सकते हैं। तो ये देखें ये मैं यहाँ पे इसको जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ, ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।